नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, बात करेंगे विजया एकादशी के विषय में कि विजया एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करके कैसे आप अपने हर कार्य को सफल कर सकते हैं, या फिर आपके रुके हुए और पेंडिंग कार्यों में आपको सफलता कैसे मिलेगी। इसी के साथ ही विजया एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, कैसे श्री हरि की प्रसन्नता कम समय में इस व्रत को करके आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। इसके अलावा रसोई घर की छोटी सी एक सामग्री आपके व्यापार में फंसे हुए पैसे को बहुत आसानी से दिला सकती है। और चर्चा करेंगे दैनिक राशिफल की, आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा और सफलता का अचूक महा उपाय आज बहुत खास होने वाला है। तो जुड़े रहिए ज्योतिष गुरु के साथ। शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम शत्रु जिते नमः, यह मंत्र मात्र 108 बार जाप करने से आपके शत्रु और विरोधी एकदम से शांत हो जाते हैं। तो आज के दिन यदि आप महसूस करें कि कुछ इस तरीके की प्रतिक्रियाएं शत्रुओं के द्वारा, आपके विरोधी, आपके प्रतिस्पर्धियों द्वारा की जा रही हैं, तो इस मंत्र को आप 108 बार जरूर जाप करें। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 16 फरवरी 2023, दिन गुरुवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र होगा मूल, चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय आप नोट करें, दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के मध्य, ये वो समय है जब आप कोई भी शुभ और नया कार्य शुरू बिल्कुल ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। दिशाशूल होगा आज दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर यात्रा आज आपको नहीं करनी है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं विजया एकादशी की महिमा क्या है, क्या इसकी महत्ता है, कैसे पूजा अर्चना की जाती है। देखिए, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत विधान किया जाता है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी व्रत विधान को किया था। व्यक्ति के जीवन की या सभी मुश्किलों का यदि आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, जैसे शत्रु बाधा है, व्यापार की समस्या है, नौकरी की परेशानी है, तो चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, सेहत को लेकर जितनी मर्जी बड़ी परेशानी हो, इसी व्रत को करके आप सारी परेशानियों को कम समय में बेअसर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। विजया एकादशी पर पीले फूल और केसर के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। व्यक्ति को सुबह के समय स्नान करके भगवान विष्णु की पीले फल और फूलों से पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु को पीले वस्त्र भी जरूर अर्पित करने हैं। इस दिन केसर का तिलक भगवान विष्णु को आप लगाएं और उसी तिलक को आप प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में आप अपने माथे पर लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होगी, मन की इच्छा पूरी होगी और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, उस व्यक्ति से बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो मित्रों, विजया एकादशी पर कैसे करने हैं दिव्य प्रयोग आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए विजया एकादशी पर कौन कौन सी आपको सावधानियां जरूर बरतनी हैं। देखिए, विजया एकादशी के दिन सूर्योदय होने से पहले आप उठें, स्नान करें, हल्के रंग के वस्त्र आप पहन लें, काले नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहनिएगा। घर में प्याज, लहसुन, मांस मदिरा, तामसिक भोजन का प्रयोग आपको भूलकर भी नहीं करना है। सुबह और शाम एकादशी की पूजा में आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही व्रत कथा को सुने तो यह आपके लिए बेहतर होगा। विजया एकादशी पर आप एक आसन पर बैठें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। यदि ये छोटे छोटे उपाय और सावधानी आपने विजया एकादशी के दिन अपनाए तो आपके हर कार्य में आपकी विजय निश्चित है। आइए अब जान लेते हैं मेष, वृष, मिथुन का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
अपने घर में समय बिताएं तो आपके लिए बेहतर होगा। समय पर आप अपने रिश्तेदार की रिलेटिव्स की हेल्प जरूर करें। उधार दिया हुआ धन डूब सकता है। किसी भी जरूरतमंद कन्या के विवाह में आपको कुछ मदद करनी है। शुभ रंग होगा आपके लिए जामुनी। वृषभ राशि, अपने गुरु का आदर करें तो आपके लिए बेहतर है। जल्दबाजी में कोई लापरवाही बिल्कुल ना करें। शाम तक समस्याओं का हल आपको अवश्य मिलेगा। आज के दिन जरूरतमंद लोगों को खिचड़ी का दान कर दें। शुभ रंग होगा नीला। मिथुन राशि, कार्यों को समय पर करने की आदत डालें। लंबित कार्यों को बिल्कुल ना करें। उधार दिया पैसा आज आपको अवश्य मिलेगा। जरूरतमंद बच्चों की मदद करिएगा। अपने माथे पर केसर चंदन का तिलक भी करें और केसर चंदन का दान भी करें। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं विजया एकादशी के विषय में। कैसे करनी है पूजा अर्चना, कैसे विजया एकादशी पर श्री हरि का परम आशीर्वाद आपको मिलेगा, आइए समझते हैं। देखिए, विजया एकादशी व्रत के लिए एक दिन पूर्व यानी कि दशमी तिथि को कलश आप भरें और कलश शुद्ध जल से आपको भरना है और अपने घर के मंदिर में इस कलश को स्थापित करना है। कलश पर आम के पत्ते आप रखें, उस पर एक नारियल स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति, चित्र या विग्रह को कोई भी पीला रेशमी वस्त्र बिछाकर उस पर आप स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें। रोली मोली चावल, चंदन, सुपारी से आपको भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है और कलश के ऊपर सप्त धान्य यानी कि सात अनाज और जौ अवश्य रखने हैं। धूप दीप गंध आप भगवान श्री हरि को अर्पित करें। पीली मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप आपको प्रज्वलित कर लेने हैं और एकादशी की कथा एकाग्रचित होकर ध्यान से भगवान विष्णु का ध्यान करके आपको सुननी है। मन ही मन भगवान विष्णु से अपनी समस्या, अपनी दुविधा कहें और कथा संपूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु की आरती आपको अवश्य करनी है। अगले दिन यानी कि वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग द्वादशी के दिन उसी कलश को आप लेकर किसी जलाशय के पास या किसी मंदिर में स्थापित कर दें और भगवान विष्णु के मंदिर से आते समय जो जरूरतमंद आपको लोग मिले उन्हें कुछ फल या कुछ वस्त्र देकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। मित्रों, बात कर रहे हैं हम विजया एकादशी के विषय पर। तो विजया एकादशी पर कौन सा महा उपाय आपको करना है जिससे आपके विरोधी और शत्रु शांत हो जाएं, आइए जानते हैं। देखिए, सुबह के समय आप जल्दी उठें, स्नान करें और अपने नहाने के पानी में एक या तीन चुटकी कम से कम हल्दी अवश्य डालें। भगवान सूर्य नारायण को जल में कम से कम 11 पत्ती केसर की डालकर अर्घ दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु या श्री राम जी के श्री राम दरबार का चित्र आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। 11 की संख्या में केले, लड्डू, फल, बादाम, मुनक्का पूजा में आपको रखना है और उनके सामने एक दीपक जलाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 3 माला जाप करना है और जरूरतमंद लोगों को ये सारी सामग्री बांट देनी है। ये छोटा सा उपाय विजया एकादशी के दिन करने से आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे, बशर्ते आप पूरी पूजा पाठ काल के दौरान अपने मन में पूर्ण श्रद्धा बनाए रखिएगा। तो ये छोटा सा उपाय आपके हर कार्य को सिद्ध करेगा। आइए जानते हैं कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रिश्तों में परेशानी हो सकती है। सुबह के समय जल्दी उठें। आज धन किसी को उधार ना दें। उगते हुए भगवान सूर्य नारायण के आप दर्शन करें। शुभ रंग होगा आसमानी। सिंह राशि, उपहार मिलने का योग बना हुआ है। अपने बॉस से किसी भी बात पर वाद विवाद ना करें, आज गड़बड़ हो सकती है। निर्णय बहुत सोच समझ कर लें तो आपके लिए बेहतर है। आज के दिन सफेद वस्तु का दान सर्वोत्तम होगा। शुभ रंग है लाल। कन्या राशि, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। मेहमान आने का संयोग आज बना हुआ है। रुका धन कुछ समय के बाद मिलेगा। मन में निराशा बिल्कुल ना लाइएगा। पीली वस्तु का दान सर्वोत्तम होगा। शुभ रंग है नारंगी।
मित्रों, ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर 9643333444 पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ लोग अपना प्रश्न साझा करते हैं। तो हमारी हेल्पलाइन नंबर आप नोट करें। आपके मन में कोई प्रश्न है, नौकरी, व्यापार, संतान या फिर किसी भी कार्य को लेकर कोई संशय है, तो अपना प्रश्न ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य साझा करिएगा। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले दर्शक हैं नवीन कुमार फिरोजाबाद से हैं, बहुत स्वागत है। ये कह रहे हैं कि मेरी राशि कौन सी है, व्यापार ठीक कैसे होगा। देखिए, आप मिथुन राशि और मिथुन लग्न के हैं। कुंडली के सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि होने से आपका व्यापार ठीक नहीं चल पा रहा। घबराइए बिल्कुल नहीं, 2023 में व्यापार की स्थिति नवंबर के बाद ठीक होगी। तब तक आप अपने घर की पश्चिम दिशा को साफ रखें और एक शुद्ध पन्ना रत्न अपने दाएं हाथ की कनिष्ठ का यानी कि सबसे छोटी उंगली में आपको बुधवार की शाम धारण करना है। तो ये छोटा सा उपाय आपके रुके हुए कार्य को अवश्य बनाएगा। दूसरे दर्शक हैं सतीश कुमार पटना से हैं, बहुत स्वागत है। नौकरी नहीं मिल पा रही है, कोई उपाय बताएं। सतीश जी, आप तुला लग्न और मीन राशि के हैं। कुंडली के दशम भाव में नीच का मंगल नौकरी में कुछ परेशानी कर रहा है। सबसे पहले तो आप जल्दबाजी करना बंद कर दीजिए, लेकिन नौकरी जो है वो अगस्त 2023 के बाद आपको अवश्य मिलेगी। बुधवार के दिन भगवान गणेश को थोड़ी हरी दूर्वा और हल्दी अर्पित करें और एक शुद्ध मोती रत्न अपने दाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली में धारण करें। यह छोटा सा उपाय आपके कार्य को बना देगा। मित्रों, आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर पर अपना प्रश्न अवश्य साझा करें। आइए जानते हैं तुला वृश्चिक धनु का दैनिक राशिफल। तुला राशि, मन की सारी इच्छाएं पूरी होंगी। खान पान का ध्यान जरूर रखिएगा। करियर में बदलाव का योग है। जरूरतमंद लोगों को चावल का दान करें। शुभ रंग होगा लाल। वृश्चिक राशि, अपने क्रोध पर जरूर काबू रखें। शाम तक समय आपके अनुकूल रहेगा। घर की उत्तर दिशा को साफ रखें। गुड़ का दान करें। शुभ रंग होगा मरून। बात करते हैं धनु राशि की। नौकरी के लिए आज आपको आवेदन करना है। शाम तक जरूरी कार्य निपटा लें तो बेहतर है। मन की इच्छा पूरी होगी। जरूरतमंद लोगों को दवा का दान करें। शुभ रंग होगा जामुनी। आइए मित्रों, अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपकी अच्छी सेहत, सुख समृद्धि की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपकी सेहत, व्यापार और आजीविका के लिए उत्तम परिणाम लेकर आ रहा है, लेकिन वर्ष के मध्य तक कोई लेन देन आपको नहीं करना है। धन, सेहत और रोजगार की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए सुबह के समय श्री राम स्तुति का आप पाठ करें। ऐसा करने से आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे और आपका संपूर्ण वर्ष सर्वोत्तम अवश्य बीतेगा। आइए जानते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशिफल। मकर राशि, दोपहर के बाद समय अच्छा रहेगा। किसी भी जरूरी काम को निपटा लें तो बेहतर है। अपनी बात किसी पर ना थोपें तो अच्छा रहेगा। मीठी वस्तु का दान जरूर करें। शुभ रंग होगा गुलाबी। कुंभ राशि, अपनी बात किसी से जबरदस्ती ना मनवाएं। भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। रुके हुए कार्य आपके पूरे होने लगेंगे। आज के दिन वस्त्रों का दान करें। शुभ रंग होगा आसमानी। मीन राशि, आज के दिन झूठ का सहारा ना लें, अच्छा रहेगा। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। पक्षियों को आज के दिन दाना अवश्य डालें। शुभ रंग होगा गेरुआ। मित्रों, बात करते हैं सफलता के उस अचूक महा उपाय की जिसको अपनाने से आपका रुका हुआ और महत्वपूर्ण कार्य सफल हो सकता है। तो अपने रुके हुए और महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाने के लिए एक पीला जनेऊ अपनी इच्छा या मन की कामना बोलते हुए भगवान श्री हरि को, भगवान नारायण को आप अर्पित अवश्य करें। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की।
आज माताओं बहनों को हम सेहत में बताने वाले हैं, यदि वो दांतों की समस्या से परेशान है तो क्या करें। गुनगुने पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर आप कुल्ला करें, आपको फायदा जरूर होगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की, यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। एक चुटकी सिंदूर पानी में मिलाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें, हर तरीके से आपका सम्मान बना रहेगा। बात करते हैं रसोई घर की उस अचूक सामग्री की जिसको अपनाने से आपका व्यापार में फंसा हुआ धन धीरे धीरे अवश्य निकलेगा। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए साबुत धनिया, कैसे प्रयोग में लाएं? एक मुट्ठी, मात्र एक मुट्ठी साबुत धनिया अपने मन की कामना करते हुए बहते पानी में आप प्रवाह करें, ऐसा करने से व्यापार में फंसे हुए धन की प्राप्ति अवश्य होगी। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि विजया एकादशी पर कैसे भगवान विष्णु की प्रसन्नता आपको मिल सकती है, कैसे एक छोटा सा महा उपाय आपके शत्रु और विरोधियों को शांत करेगा, और कैसे भगवान विष्णु का महावरदान आप पर और आपके परिवार पर होगा, और इस व्रत को करने का विधान क्या है, तरीका क्या है, यह समस्त जानकारी हमने आपके साथ साझा करी। यह समस्त जानकारी आप अपने मित्र सखा रिश्तेदारों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।